प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किए गए बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हुई बढ़ोतरी से महिलाओं के चेहरे पर दिखी खुशी, झूम उठी सभी महिलाएं। महापौर ने पंडाल पहुंच जताया मुख्यमंत्री का आभार, तो वहीं विपक्ष इसे लॉलीपॉप बता रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल के पांचवें व अंतिम विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, इसके साथ राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण भी पेश किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की, साथ ही इस बजट को राज्य सरकार भरोसे का बजट के नाम से पेश कर जनता के हित में बता रही है। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,500, आंगनबाड़ी सहायिका को 5,000 रुपये, मितानिनों के लिए 2,200 रुपये अतिरिक्त प्रतिमाह देने की घोषणा की है, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ सहित दुर्ग में खुशी देखने को मिली। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी महिलाओं ने पंडाल में जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया, साथ ही होली के रंग में सराबोर होकर झूम उठी। तो हम लोगों को जीने लायक मानदेय भैया दे चुके और हम लोग को भरोसा था कि काका है तो जिंदा है, काका है भरोसा है करके बोलते हैं ना, तो हम लोग को पूरा भरोसा था। आज 6 मार्च को हमारे कुछ ना कुछ करेंगे करके हम लोग को उम्मीद थी। आज इसी खुशी के साथ हम लोग आए थे और आज उस मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पूरा छत्तीसगढ़ लेवल पे जितने हम भी हमारे कार्यकर्ता सहायिका बने हैं उसके तरफ से भी धन्यवाद देती हूँ। और जो हमारे मीडिया भैया है उन लोग को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से ही आज हम इतना लड़ाई लड़ते हैं, वही आगे जाते हैं। तो तहे दिल से सभी को धन्यवाद देती हूँ। और आज हम होली तो 2 दिन पहले है, लेकिन आज हम लोग सभी बहने आज होली मनाएंगे। भूपेश सरकार जिंदाबाद। हमारी खुशी तो इतनी है कि हम बयान नहीं कर सक रहे हैं। हमारे भूपेश सरकार हमको 3 दिन पहले ही हमारी खुशी बहुत ज्यादा जाहिर कर दी है और उनका धन्यवाद करते हैं। हम जय जयकार करते हैं और हम ये हम सोच के चलेंगे कि भूपेश भैया है, विकास है तो सभी है। और हमारा मानदेय अगले साल के लिए हम अपेक्षा रखते हैं कि 10,000 का 20,000 अवश्य करेंगे और हमारी सरकार भी भूपेश सरकार की सरकार बनेगी। आज 43 दिन तक हम सड़क पर बैठे थे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि सरकार बजट में घोषणा करेगी। फाइनली आज हमारी सरकार ने हमारी बातों को सुनकर हम बहनों को महिला दिवस पर मान सम्मान देकर हमारे जीने लायक वेतन आज हमें मानदेय को 10,000 कार्यकर्ता को और सहायिकाओं को 5,000 करके हमें बहुत बड़ा होली के त्योहार में उपहार दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं सरकार से और हम बहुत ही खुश हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए भरोसे के बजट को लेकर पिछले 43 दिनों से प्रदर्शन पर बैठी आंगनबाड़ी महिलाओं से मुलाकात कर मुख्यमंत्री का आभार जताया और आगामी होली की शुभकामनाएं दी, तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता ने इसे प्रदेश की जनता को लॉलीपॉप थमाना बताया। आज खुशी की लहर है। आज सवेरे जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करने जा रहे थे, सभी को एक अजीब सा विश्वास था कि सबको मालूम है कि प्रदेश का जो मुखिया है बहुत संवेदनशील है। सभी वर्गों को ध्यान में रख के उन्होंने जो आज बजट पेश किया है, आज हमारी बहनों का 10,000 रुपये और सहायिका दीदी का जो 5,000 उन्होंने जो बढ़ाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ और उनके कार्यों से उनके मार्गदर्शन से आज पूरा प्रदेश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हमारा सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश हमारा प्रदेश है और इस बजट में उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, सर्वहारा वर्ग के विकास को लेकर उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी दीदी लोग कितने खुश हैं, पूरे प्रदेश में होली के 2 दिन पहले आज होली मनाई जा रही है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार जिन्होंने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया अपने कार्यकाल का, बहुत दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने जो हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया था उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाया। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था उसे अब केवल झुंझुना पकड़ाने की दृष्टि से, युवाओं को छलने की दृष्टि से 2,500 रुपये बजट की घोषणा किया है। यदि बजट की घोषणा करना था तो 5 साल का पूरी बजट 1,20,000 रुपये उनको प्रावधानित करना था, जिसमें प्रत्येक युवाओं को जो बेरोजगार है उन्हें प्रति माह 2,500 के हिसाब से 1,20,000 रुपये उनका अब तक का भत्ता बनता उन्हें देना चाहिए। उन्होंने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो 40 दिनों से आंदोलनरत थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, उन्हें भी उन्होंने वादा किया था कलेक्टर दर में संविदा में रखने का, उनको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। केवल 10,000 रुपये घोषणा करके 4,000, उसमें केंद्र की सरकार की भी राशि है, इस प्रकार से
छल किया है, ये लालीपॉप वाला बजट है, सभी वर्गों को ठगा है। भूपेश बघेल की सरकार की जो बजट है ये केवल चुनावी और झुंझुना वाली बजट है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।